9 साल के अभूतपूर्व कार्यक्रम के तहत सरहिंद रैली के लिए समराला से 10 बसों का काफिला रवाना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरहिंद रैली को भारतीय जनता पार्टी पंजाब अध्यक्ष अश्वनी शर्मा, पुलिस जिला प्रमुख करणवीर सिंह ढिल्लो, समराला से भारतीय जनता पार्टी और माछीवाड़ा से 10 बसें रवाना की गई हैं। करणवीर सिंह ढिल्लो ने मीडिया से बात की और कहा कि पार्टी अध्यक्ष अश्वनी शर्मा 9 सालों के अभूतपूर्व कार्यक्रम के तहत सरहिंद में आयोजित रैली को संबोधित करने के लिए विशेष रूप से आ रहे हैं। ढिल्लो ने बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी मजबूती से आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा जी के नेतृत्व हेठ 9 साल बेमिसाल जो प्रोग्राम सारे हिंदुस्तान च लिखा गया पार्टी वालों, जिदे विच भारतीय जनता पार्टी और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दियां जो 9 साल दियां चंगियां नीतियां ने, जिन्हां करके ग्रास रूट लैवल तक आम इंसान दे गरीब परिवारां दे लोकां दी जिंदगी च प्रभाव पिया, उन्हां नीतियां नूं होर उजागर करन वास्ते, लोकां तक पहुँचाउण वास्ते, पए होए प्रभाव नूं लोकां तक दर्शाउण वास्ते 9 साल बेमिसाल प्रोग्राम रख्या गया। और इसे प्रोग्राम तहत अज सरहिंद जिहड़ी है एक विशाल रैली पार्टी वल्लों रखी गई है, जिहदे विच साडे सूबा प्रधान अश्विनी शर्मा जी पहुँच रहे ने खास करके, और हुक्म होया सी पार्टी वल्लों भी उस रैली च वध चढ़ के सहयोग देना है, बंदे लैके पहुँचने ने। सो अज मैनू खुशी हुंदी है देख के भी समराले हल्के च भी भारतीय जनता पार्टी का जिहड़ा झंडा है वह पिंड पिंड लहराउण लग गया, और सारी जिहड़े ने भारतीय जनता पार्टी नूं अपनाउण लग गए ने। और मैनू आस है भी इन्हां यतना करके ऐसे प्रोग्रामां करके भारतीय जनता पार्टी पंजाब च बहुत वधिया तरीके नाल सरकार बनाऊगी आने वाले समय च। ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਸਮਰਾਲਾ ਮਾਛੀਵਾੜਾ? ਟੋਟਲ ਸਮਰਾਲੇ ਹਲਕੇ ਚੋਂ 10 ਬੱਸਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, 5 ਸਮਰਾਲੇ ਚੋਂ ਤੇ 5 ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਚੋਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਖੰਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਖੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ 28 ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਫਲ ਹੋਊਗੀ, ਔਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਵੋਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਚਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਦੇਖੋ, ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਰਿਹਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਹੁਣ